सुप्रभात बच्चों, साई राम। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुखी होंगे। आप सभी ने अपना अपना गृह कार्य जमा करा दिया होगा। अगर किसी बच्चे का गृह कार्य अभी जमा नहीं हुआ है तो वह शीघ्र अतिशीघ्र अपना गृह कार्य जमा करा दें, अन्यथा आपको अंक नहीं दिए जाएंगे और आप उन अंकों से वंचित रह जाएंगे। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी गृह कार्य पूर्ण कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा हिंदी विषय में वाच्य चल रहा था। वाच्य में हमने क्रियाभेद देखा था, क्रियाभेद हमारा हो गया था। अब इसी का हम भाग तीन देखेंगे और इसमें वाच्य देखेंगे कि वाच्य किसे कहते हैं। तो आज का विषय हिंदी, उपविषय व्याकरण, प्रकरण वाच्य क्रिया के भेद। तो हमने जो देखा है, हमने अभी तक क्रिया भेद देखा है, आज हम वाच्य और वाच्य के भेद देखेंगे। तो वाच्य किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। ठीक है, वाच्य को हम क्या कहते हैं, बोलने का विषय। वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है या भाव प्रधान है। क्रिया के लिंग और वचन उसी के अनुरूप होते हैं। इस प्रकार वाच्य क्रिया के उस रूपांतरण या परिवर्तन को कहते हैं जिससे ज्ञात होता है कि वाक्य में क्रिया कर्ता के साथ है, कर्म के साथ है, या इन दोनों में से किसी के साथ न होकर क्रिया के कार्य भाव के साथ होता है। तो इसका क्या अर्थ होता है कि वाच्य एक बोलने का विषय है और यह क्रिया का वह रूप है जिससे हमें यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है। तो इसमें और जो हमारी क्रिया होगी, क्रिया उसी के अनुरूप होगी जो वाक्य में प्रधान होगा। ठीक है, अब इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में सबसे पहले है राधा पत्र लिखती है। तो राधा में जो है, राधा हमारी कर्ता है, लिखती है क्रिया है। तो जो लिखती है यह क्रिया हमारी किसके साथ है, राधा के साथ है। राधा स्त्रीलिंग है, तो जो लिखती है क्रिया है, क्रिया भी हमारी स्त्रीलिंग हो गई है। तो फिर क्या हो गया है, इसमें कर्ता प्रधान हो गया है। ठीक है, आगे अब दूसरा देखते हैं। दूसरा उदाहरण है हमारा, राधा द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो इसमें क्या है, जो लिखा जाता है ये हमारी क्रिया है, राधा स्त्रीलिंग है, तो राधा कर्ता है, पत्र है, पत्र हमारा कर्म है, तो पत्र क्या है हमारा, पुल्लिंग है। तो जो क्रिया है हमारी, क्रिया क्या है, क्रिया यहाँ पर पुल्लिंग आई है। तो यो किसके साथ है हमारी, कर्म के साथ है, क्योंकि जो कर्म है, कर्म भी हमारा पुल्लिंग है और जो क्रिया है, क्रिया भी पुल्लिंग है। तो इसलिए यहाँ पर क्या प्रधान हुआ है हमारा, कर्म प्रधान हो गया है, कर्म की प्रधानता हो गई है। आगे देखेंगे तीसरा, तुमसे लिखा नहीं जाता, ये वाला है। तो इसमें क्या है, क्रिया हमारी क्या है, क्रिया लिखा नहीं जाता। तो यह न तो कर्ता के साथ है और न ही ये कर्म के साथ है। इसमें न तो कर्ता प्रधानता है और न ही कर्म प्रधानता है। तो इसमें क्या है, इसमें भाव प्रधानता है, कि ये भाव हो रहा है कि उससे लिखा नहीं जाता, असमर्थ है वो लिखने में। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा हो गया हमारा वाच्य, ये भाववाच्य हो गया, क्योंकि इसमें भाव की प्रधानता है। तो हम देखेंगे कि इसमें जो हमारा पहला वाक्य था, पहले वाक्य में कर्ता प्रधान था, दूसरे वाक्य में कर्म प्रधान है और तीसरे वाक्य में हमारा भाव प्रधान है।
तो इस प्रकार से ये क्या है, ये वाच्य है, वाच्य के भेद देखेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जिसमें जिस चीज़ की प्रधानता होती है वह वैसे ही वाच्य होता है। ठीक है, हमें मालूम हो गया है कि वाच्य किसे कहते हैं, तो वाच्य आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब आगे वाच्य के भेद देखते हैं कि वाच्य के भेद कितने होते हैं। तो वाच्य के दो भेद होते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। ठीक है, तो इसमें जो कर्तृवाच्य होता है इसमें कर्ता प्रधान होता है, अकर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान नहीं होता है। इसमें जो है ये दो प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य, क्योंकि इसमें कर्म प्रधान होता है और दूसरे भाव प्रधान होता है। इसी के आधार पे ये दो प्रकार के वाच्य आ जाते हैं जो अकर्तृवाच्य में होते हैं। अगर आपसे कोई प्रश्न करता है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको इस प्रकार से विस्तार से बताना होगा कि वाच्य दो प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य दो प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, संक्षेप में आप इतना बताएंगे, और कोई विस्तार से आपसे प्रश्न करे तो आप बताएंगे कि कर्तृवाच्य क्या होता है, अकर्तृवाच्य क्या होता है, और इसमें किस प्रकार से दो अकर्तृवाच्य के भेद होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, कभी कभी वाच्य के भेद आ जाते हैं कि वाच्य के भेद बताइए, तो वाच्य के भेद आप इस प्रकार से बताएंगे कि वाच्य दो प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य हमारे दो प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको जब भी आपसे कोई प्रश्न करता है इस प्रकार से ही बताएंगे, क्योंकि बच्चे संदेह में आ जाते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि किसी किसी पुस्तक में तीन प्रकार के लिखे हैं, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य, तो किसी में इस प्रकार से दो प्रकार के लिखे हैं जैसे मैंने आपको बताया है। तो अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे विस्तार से तो आपके पूरे अंक आएंगे, कोई भी आपके अंक नहीं काटेंगे। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से ही लिखना होगा विस्तार से कि हाँ दो प्रकार के होते हैं, और इस प्रकार से अकर्तृवाच्य में के भी दो भेद होते हैं, कर्मवाच्य भाववाच्य। ये इसका पूर्ण उत्तर होगा। ठीक है, अब आगे सबसे पहले हम कर्तृवाच्य देखते हैं। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में वाच्य बिंदु कर्ता है, तो अर्थात जिस हमें वाक्य में कर्ता प्रधान होगा तो उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुषकर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। तो इसमें यह है कि जब हमारा कर्ता के अनुसार होता है क्रिया तो उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। उसमें जो क्रिया के लिंग वचन और पुरुष है वह कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार ही होते हैं, उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। इसको साधारण भाषा में सरल शब्द में कह सकते हैं कि जब वाक्य में कर्ता प्रधान होता है और उसमें क्रिया कर्ता के अनुसार होती है तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि अगर हमारा कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, तो वहाँ पे कर्तृवाच्य होता है। तो ये ध्यान है। तो इसमें विशेष बात क्या है, इसमें विशेष ये है कि कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। आपको मैंने आरंभ में ही कहा था कि इसमें क्रियाओं के भेद भी आते हैं, तो अगर आपको क्रियाओं के भेद अच्छे से समझ में आ गए हैं तो आप तभी वाच्य कर पाओगे। तो इसकी पहचान कैसे होगी, कर्तृवाच्य में इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। तो इसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में आता है हमारा सबसे पहले, रमेश केला खाता है। तो यहाँ पे क्या है हमारा, कर्म है। कर्म क्या है हमारा, केला। तो ये कौन सा हो गया हमारा, सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है,
यहाँ पर रमेश, रमेश कौन है हमारा, करता है, और क्रिया क्या है हमारी, खाता है। तो इसमें जो कर्ता के अनुसार है हमारी क्रिया है, तो इसलिए यहाँ पे ये कर्तृवाच्य हो गया, है ना। रमेश हमारा पुल्लिंग है और यहाँ पर क्रिया जो है, क्रिया भी पुल्लिंग है, तो ये क्या हो गया हमारा, कर्तृवाच्य हो गया। अब दूसरा, बच्चे खेल रहे हैं, तो इसमें कोई भी कर्म नहीं है, तो ये कौन सा है हमारा, अकर्मक क्रिया हो गई, ठीक है। इसमें कर्ता कौन है, बच्चे, और क्रिया खेल रहे हैं, तो बच्चे हमारे क्या हैं, बहुवचन है, बहुत सारे बच्चे हैं, खेल रहे हैं, क्रिया भी हमारी बहुवचन में आ गई है, तो इसलिए ये हमारा अकर्तृवाच्य है, क्योंकि वो कर्ता के अनुसार है हमारी क्रिया, ठीक है। आगे तीसरा उदाहरण देखते हैं, दिनेश पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर हमारा कर्म है कि दिनेश क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सकर्मक क्रिया है, तो यहाँ पर कर्ता दिनेश है, पढ़ता है हमारी क्रिया है, तो क्रिया हमारी किसके अनुसार है, कर्ता के अनुसार है, तो इसलिए कौन सा वाच्य है, ये कर्तृवाच्य है, ठीक है। तो इसमें देखिए, ये पहला वाक्य हमारा सकर्मक था, दूसरा अकर्मक है, और ये हमारा सकर्मक है, तो इसमें दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया है, इन वाक्यों में कर्ता प्रधान है और क्रिया कर्ता के अनुसार है, इसलिए ये क्या है हमारा, कर्तृवाच्य है। या आगे देखते हैं, अब आते हैं हमारे अकर्तृवाच्य, तो इसमें हम देखेंगे जिन वाक्यों में कर्ता गौण या लोप होता है, गौण किसे कहते हैं, जो साइलेंट हो जाता है, लोप कहते हैं छिप जाना, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अकर्तृवाच्य कहते हैं। इसके भी दो भेद होते हैं, जैसे हमने अभी देखा था कि इसके दो भेद कौन कौन से, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। अब इसको देखेंगे, सबसे पहले कर्मवाच्य किसे कहते हैं, कर्मवाच्य होता है जहां वाच्य बिंदु कर्ता न होकर कर्म हो, अर्थात जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो, तो वहां कर्मवाच्य होता है। जिस प्रकार से हमने कर्तृवाच्य में देखा कि जो हमारी क्रिया होती है, क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, तो वहां पे हमारा कर्तृवाच्य होता है, लेकिन यहाँ पे जो क्रिया है, क्रिया हमारी कर्म के अनुसार होगी, तो ये कौन सा वाच्य होगा हमारा, कर्मवाच्य होगा, क्योंकि जो क्रिया है वह कर्म के अनुसार होगी। इन वाक्यों में या तो कर्ता का लोप हो जाता है, या उसके साथ के द्वारा, द्वारा या से का प्रयोग होता है, ठीक है। इसकी पहचान है कि इसमें जब हम कर्मवाच्य देखते हैं, तो उसमें के द्वारा या द्वारा आ जाता है, कर्ता के साथ, कर्ता के साथ ये लगे रहते हैं, तो हमारा कर्मवाच्य होता है, और इसमें क्या होता है, कर्म प्रधान होता है। ये ध्यान रखना, इसमें क्या विशेष बात है कि इसमें कर्म प्रधान होता है, इसलिए ये कर्मवाच्य होता है। विशेष इसमें क्या है, विशेष बात ध्यान रखने योग्य है कि कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है। जिस प्रकार से अकर्तृवाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है, इस प्रकार से कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, इसमें अकर्मक क्रियाएं नहीं होती हैं। ये ध्यान देने वाली बात है, जब पहचान करने को आती है बोर्ड परीक्षाओं में, तो बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये सकर्मक है या अकर्मक है, और वाच्य में भी इसलिए गलती कराते हैं। तो इसलिए हमें इसकी पहचान करनी होगी, जो सकर्मक है वह कर्मवाच्य में ही आता है, लेकिन हमें वहाँ पर ये देखना होगा कि इसमें कर्म प्रधान है या कर्ता प्रधान है, तो तभी आप इसकी पहचान कर पाएंगे। अब इसके उदाहरण देखते हैं, अशोक द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो इसमें क्या है, ये देखिए कर्ता के साथ द्वारा लिखा हुआ है, तो इसलिए ये कर्मवाच्य हो गया, क्योंकि ये यहाँ पर कर्म भी है, और ये कर्म प्रधान है, क्योंकि क्रिया जो है हमारी कर्म के अनुसार है। पुस्तक क्या है हमारी, स्त्रीलिंग है, और पढ़ी जाती है, क्रिया भी हमारी स्त्रीलिंग होगी। वैसे जो कर्ता है हमारा, कर्ता क्या है, कर्ता हमारा पुल्लिंग है, लेकिन क्रिया हमारी स्त्रीलिंग हो गई। स्त्रीलिंग क्यों हो गई, क्योंकि पुस्तक हमारी स्त्रीलिंग है, तो क्रिया हमारी पुस्तक के साथ है।
तो इसलिए यहाँ पर हमारा क्या हो गया, कर्मवाच्य हो गया, क्योंकि जो क्रिया है वह कर्म के अनुसार है। ठीक है, आया आपको समझ में? अब दूसरा देखते हैं, सोहन से फुटबॉल नहीं खेली जाती। तो यहाँ पे देखिए, कर्ता के साथ हमने से लगा दिया और यहाँ पर कर्म क्या है, फुटबॉल क्या है, सोहन से फुटबॉल नहीं खेली जाती। फुटबॉल हमारी स्त्रीलिंग है, क्रिया भी हमारी स्त्रीलिंग हो गई है। तो यहाँ पर क्रिया किसके अनुसार है, कर्म के अनुसार है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कर्म प्रधान हो गया है, इसलिए यह कर्मवाच्य है। आया इतना समझ में आपको? एक और उदाहरण देखते हैं, दवाई दे दी गई। तो इसमें क्या किया, इसमें कर्ता का लोप कर दिया है, इसमें कर्ता को छिपा दिया गया है। तो दवाई दे दी गई है, तो कर्म क्या है हमारा, दवाई क्या दिया है हमने, दवाई दे दी है, और दवाई क्या है, स्त्रीलिंग है, और यहाँ पर क्रिया भी हमारी स्त्रीलिंग हो गई है, क्योंकि दवाई क्या है, स्त्रीलिंग होगी, और दे दी गई ये भी क्रिया हमारी स्त्रीलिंग हो गई है। तो जो क्रिया है हमारी, क्रिया कर्म के अनुसार है, लेकिन वहाँ पे कर्ता का हमने लोप कर दिया है, तो इसलिए यहाँ पर ये कर्मवाच्य हो गया है। तो ध्यान रखिए, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि इसमें द्वारा नहीं है, तो इसलिए वो भूल जाते हैं कि इसमें कर्ता का लोप भी हो सकता है। तो यहाँ पर पहचान होनी चाहिए कि इसमें कर्ता का भी लोप हो जाता है, इसमें हमें क्रिया और कर्म देखना होता है कर्मवाच्य में, कि जो क्रिया है हमारी कर्म के अनुसार है नहीं है, तो फिर क्या होता है कि तभी हम पहचान कर पाते हैं कि ये कर्मवाच्य है। ठीक है, इन सब वाक्यों में क्या है, सकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग किया गया है। ये पहचान है आपको, सकर्मक क्रिया देख लेना और उसके बाद आपको पहचान हो जाएगी कि ये कर्मवाच्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब भाववाच्य देखते हैं, भाववाच्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में वाच्य बिंदु क्रिया हो, अर्थात जहाँ न कर्ता की प्रधानता हो और न ही कर्म की, वहाँ क्रिया का भाव ही मुख्य होता है। तो इसमें हमने देखा होगा कि कर्तृवाच्य में तो इसमें कर्ता की प्रधानता हुई, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता हुई, लेकिन भाववाच्य में न तो कर्ता की प्रधानता होती है और न ही कर्म की प्रधानता होती है। इसमें प्रधानता किसकी होती है, क्रिया के भाव की, कि क्रिया किस भाव से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जहाँ न कर्ता की प्रधानता है न ही कर्म की, वहाँ क्रिया का भाव ही मुख्य होता है, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य की क्रिया हमेशा अन्य पुरुष पुल्लिंग एकवचन में रहती है। इसमें विशेष बात क्या होती है, भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। हमेशा ध्यान रखना, इसमें सकर्मक नहीं आता है, इसमें केवल अकर्मक आता है, इसमें कर्म नहीं होता। तो ये इसकी पहचान होती है, हमेशा ध्यान रखना, और इसमें भाव की प्रधानता होती है, इसमें क्रिया का भाव होता है, कि वो इसमें अधिकतर क्या होता है, विवशता और असमर्थता। तो है कि कोई व्यक्ति काम करने के लिए मजबूर होता है, या कोई अपनी असमर्थता की मत है कि वो नहीं कर पा रहा है काम, तो उसको दर्शाता है कि उसका है कि काम न करने का भाव हमें दिखाई दे रहा है। तो इसमें ये देखेंगे, इसका उदाहरण देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला उदाहरण है, मुझसे उठा नहीं जाता। तो क्या है यहाँ पर, क्रिया उठा नहीं जाता, असमर्थता हो रही है कि उससे उठा नहीं जा रहा है, भाव है कि उससे उठा नहीं जा रहा है। तो ये हमारी अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है, तो इसमें क्रिया का भाव मुख्य हो गया है, तो ये हमारा भाववाच्य है। धूप में चला नहीं जाता, ये दूसरा देखिए वाक्य, तो उसकी असमर्थता होगी कि वे उससे चला नहीं जा रहा है, उससे चला नहीं जाता है, तो ये अकर्मक क्रिया है ना। तो इसमें क्या होगा कि इसकी पहचान यह होती है कि इसमें भी से और के द्वारा का ही प्रयोग होता है, लेकिन इसमें कर्म नहीं होता। दोनों में ध्यान रखना, क्योंकि आप सोचेंगे कि उसमें भी से और के द्वारा बताया है कर्मवाच्य में, इसमें भी से और के द्वारा बताया है कर्ता के साथ, तो लेकिन दोनों में अंतर क्या होगा, उसमें कर्म प्रधान होगा,
कर्म होगा, लेकिन इसमें कर्म नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखिए मुझसे इसमें कर्ता के साथ से का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसमें कर्म नहीं है क्योंकि उससे उठा नहीं जाता। इसमें तो कर्म नहीं है, केवल क्रिया हो रही है हमारी, और क्रिया है तो इसलिए कर्मक है। ये धूप में चला नहीं जाता, इसमें कर्ता का लोप हो गया है, इसमें कर्ता छिप गया है, तो इसमें केवल क्रिया है। क्रिया का भाव है कि उसे धूप में चला नहीं जाता, तो इसमें क्या है, क्रिया प्रधान है, तो ये क्रिया का भाव है, तो यह कर्मक क्रिया है। अब तीसरा, मोहन से टहला नहीं जाता। मोहन क्या है, मोहन करता है, मोहन के साथ से लगा दिया हमने, उससे टहला नहीं जाता, क्रिया है टहला, है ना। तो इसमें असमर्थता आ रही है कि उससे टहला नहीं जाता, घूमा नहीं जा रहा है उससे, तो ये क्या हमारी अकर्मक क्रिया है। ठीक है, इसके कुछ मुख्य बातें हैं भाववाच्य की, वो ध्यान देने योग्य है। अगर आप ये ध्यान देंगे और इसमें इसको याद कर लेंगे तो कभी भी आप इसमें गलती नहीं करेंगे। सबसे पहले है भाववाच्य का प्रयोग विवशता और असमर्थता व्यक्त करने के लिए होता है। तो ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जब भी हमें भाववाच्य देखते हैं तो उसमें हमें विवशता, विवशता होगी मजबूरी, और असमर्थता है कि काम करने की असमर्थता हमें दिखाई दे रही है कि उससे वह काम नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरा आता है भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है। जैसे मैंने बताया भाववाच्य में कभी भी सकर्मक नहीं होता है, इसमें अकर्मक ही होता है। इसमें से और के द्वारा का भी प्रयोग होता है और कर्मवाच्य में भी होता है, लेकिन कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, भाववाच्य में हमारी भाव क्रिया प्रधान हो जाती है, क्रिया का भाव होता है मुख्य, तो इसलिए यहाँ पर कर्म क्रिया होती है, पहचान रखना। तीसरा है भाववाच्य में क्रिया सदैव अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एकवचन में होती है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि यह अन्य पुरुष में हो जाती है, पुल्लिंग में हो जाती है, एकवचन में होती है। कर्ता चाहे हमारा स्त्रीलिंग है, लेकिन क्या हमारी पुल्लिंग में ही हो जाएगी। जैसे सीता से सोया नहीं जाता, तो सीता क्या होगी, हमारी स्त्रीलिंग है, लेकिन वहाँ क्रिया सोया नहीं जाता, तो उसको हमने क्रिया जो है पुल्लिंग में और एकवचन में प्रयोग किया है। ठीक है, तो भाववाच्य है कि उससे सोया नहीं जा रहा है, असमर्थता दिखाई दे रही है, सोया नहीं जाता उससे, तो सीता हमारी स्त्रीलिंग है, लेकिन क्रिया हमारी वहाँ पे पुल्लिंग आ गई है। तो इसमें यही होता है कि भाववाच्य में क्रिया सदैव अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एकवचन में आती है। ये हमेशा ध्यान रखना, आपको वाच्य के भेद अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब इसमें हम वाच्य में परिवर्तन करना देखेंगे कि कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तित करते हैं और कर्तृवाच्य को हम भाववाच्य में कैसे परिवर्तित करते हैं, और फिर क्या करेंगे कि भी कर्तृवाच्य को बनाना भी देखेंगे कि कर्मवाच्य और भाववाच्य से कर्तृवाच्य कैसे बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले कर्तृवाच्य को हम कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे। अब ये देखिए, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले देखते हैं, पहले नंबर पर कर्तृवाच्य के कर्ता और कर्म की विभक्तियाँ हटाकर कर्ता के साथ के द्वारा, द्वारा या से लगाना चाहिए। तो हमें क्या करना है कि जो कर्ता के साथ ने लगाते हैं कि राम ने खाना खाया, तो ने हटा देंगे, या नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके साथ हम के द्वारा, द्वारा या से लगा देंगे। ठीक है, फिर दूसरा है कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया में बदलकर उसके साथ जाना क्रिया का मुख्य क्रिया के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार रूपांतरित रूप जोड़ देना चाहिए। तो क्या है, वहाँ पर जाना लगा देते हैं, संयुक्त क्रिया बना देते हैं, उससे हमारा कर्मवाच्य हो जाता है। तो इसका उदाहरण देखेंगे, पहला उदाहरण है बालक खाना खाता है, तो हमने कर्ता, ये बालक करता है, तो कर्ता के साथ के द्वारा लगा दिया। ठीक है, क्रिया खाता है, तो हमने क्रिया के साथ जाता लगा दिया, संयुक्त क्रिया बना दिया है, जाता है जैसे ऊपर कहा गया है, तो बालक के द्वारा खाना खाया जाता है, तो
तो इस प्रकार से ये हमारा कर्मवाच्य बन जाता है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, सोहन फुटबॉल खेलता है, तो इसमें दूसरा हमारा वाक्य क्या आ गया हमारा कि सोहन फुटबॉल खेलता है, तो इसका ये सोहन द्वारा फुटबॉल खेली जाती है। हमने कर्ता के साथ द्वारा कर दिया और खेला के साथ खेली जाती है। ठीक है, ये संयुक्त क्रिया कर दी है तो हमारा हो गया कर्मवाच्य बन गया है। अब रजिया ने पुस्तक पढ़ी, तो इसमें रजिया के साथ हमने से लगा दिया, क्योंकि ध्यान रखना कि ये कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में भी से लग सकता है, और पढ़ी गई ये संयुक्त क्रिया बना दी है हमने, गई और जाना ये कि धातु के हैं, तो हमने यहाँ गई लगा दिया तो पढ़ी गई। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तित करते हैं। अब आगे देखते हैं कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। अभी यहाँ पर भाववाच्य देखेंगे। सबसे पहले इसमें नियम आता है हमारा, कर्तृवाच्य के कर्ता और कर्म की विभक्तियाँ हटाकर कर्ता के साथ से या द्वारा के द्वारा लगाना चाहिए। जैसे कर्मवाच्य में हमने लगाया, इस प्रकार से इसमें भी ऐसे ही लग जाएगा, लेकिन इसमें क्या आएगा, इसमें हमारा कर्म नहीं आएगा। हमेशा ध्यान रखना है, हम विभक्ति तो हटा देंगे इसे, तो हम देखेंगे कि कभी भी बदलने के लिए उसमें कर्म सकर्मक क्रियाएं नहीं आएंगी, इसमें अकर्मक क्रियाएं आ जाएंगी। अब दूसरा देखेंगे, मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के एक वचन में बदल कर उसके साथ जाना धातु के एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष का वही काल लगा देंगे जो वाच्य की क्रिया का हो। ठीक है, इसके उदाहरण देखते हैं तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बच्चे खेलेंगे, तो ये क्या है, तो बच्चे से बच्चों बन जाएगा, बच्चों से खेला जाएगा, ये हो गया थोड़ा सा, तो इसमें बच्चों से खेला जाएगा, तो इसमें हमने क्रिया के साथ संयुक्त क्रिया बना दिए खेला जाएगा। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो ये है कि पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है, तो हमने यहाँ पे संयुक्त क्रिया कर दी, पक्षियों के साथ से लगा दिया। अधिकतर वैसे भाववाच्य में हम से का ही प्रयोग करते हैं, द्वारा का बहुत कम प्रयोग करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी पहचान आती है तो हमें केवल यहाँ पर सकर्मक और कर्मक की देखना है, और उससे हमारी एकदम पहचान हो जाएगी भाववाच्य या कर्मवाच्य है। ठीक है, अधिकतर से का ही प्रयोग होता है भाववाच्य में, और कर्मवाच्य में हमेशा द्वारा का ही अधिकतर प्रयोग होता है, ये बहुत कम होता है कि वहाँ पर से का प्रयोग हो रहा है और यहाँ पर द्वारा का प्रयोग हो रहा है। इसकी पहचान वैसे सरल रूप में अगर हम करते हैं तो यही होता है कि कर्मवाच्य में द्वारा का प्रयोग होता है, इसमें से का प्रयोग होता है, लेकिन कभी कभी कर्मवाच्य में से का प्रयोग आ जाता है, तो उसमें केवल हमें सकर्मक और अकर्मक ही देखना चाहिए कि अगर उसमें हमारा कर्म आ रहा है तो कर्म है तो हमारा कर्मवाच्य है, अगर कर्म नहीं है तो वह हमारा भाववाच्य है। अगर से का प्रयोग रहा है तो हमें यही पहचान करनी है, द्वारा में भी हमें यही देखना है, वैसे अधिकतर से जो हमारा भाववाच्य में होता है द्वारा हमारा उसमें होता है कर्मवाच्य में होता है। आगे देखेंगे, लड़की आंगन में सो रही है, तो इसका है लड़की के साथ में से लगा दिया, लड़की से आंगन में सोया जा रहा है, तो ये देखिए लड़की क्या है, स्त्रीलिंग है, और सोया जा रहा है, सोया क्या है हमारा पुल्लिंग है, इसमें पुल्लिंग का प्रयोग हो गया है, तो इसमें यह है कि क्रिया माई पुल्लिंग में आ जाती है, तो इसलिए ये सोया जा रहा है, तो इसमें यहाँ पे अकर्मक है, ये सारे ही वाक्य हमारे अकर्मक क्रिया के हैं। ध्यान रखना कि भाववाच्य में अधिकतर अकर्मक क्रियाएँ ही होती हैं। आगे हम देखते हैं कर्तृवाच्य बनाना, तो हमने कर्मवाच्य बनाया, भाववाच्य बनाया, अब यहाँ पे कर्तृवाच्य है तो इसमें इसके विपरीत आ जाते हैं सब नियम, जैसे हमने ऊपर नियम देखे, इसमें इन दोनों के विपरीत होते हैं। कर्मवाच्य या भाववाच्य से कर्तृवाच्य बनाना कर्मवाच्य और भाववाच्य बनाने से बिल्कुल विपरीत है। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, हम बनाते हैं तो वाक्य में कर्ता के साथ लगे द्वारा और के द्वारा या से को हटा देना चाहिए। सबसे पहले हमें यह हटाना है कर्ता के साथ जो लगे हैं, और फिर क्रिया कर्ता के अनुसार कर देनी चाहिए।
ठीक है। अब इसके उदाहरण देखते हैं। बच्चों से खेला जाएगा, तो ये है तो इसमें क्या करेंगे, बच्चे खेलेंगे, तो हमने से हटा दिया और ये संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया को भी इसको हमने एक कर दिया है, खेलेंगे बच्चे खेलेंगे, ये हो जाएगा। दूसरा, पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है, तो सबसे पहले से को हटाएंगे तो पक्षी आ जाएगा, और उड़ा जाता है का उड़ते हैं हमने बना दिया, तो ये उड़ा जाता है, संयुक्त क्रिया हमने हटा दी है, तो अब पक्षी आकाश में उड़ते हैं। आगे, सीता के द्वारा गाना गाया जाता है, तो हमने के द्वारा हटाया, पहले के द्वारा हटाने पे हमारा क्या आ गया, यहाँ पे सीता आ गया, के द्वारा हमने यहाँ से हटाया, और गाया जाता है का गाती है, ठीक है। तो ये हो गया कि सीता गाना गाती है, इस प्रकार से हमारे कर्तृवाच्य बन गए हैं, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ गया है, तो आशा करती हूँ आपको वाच्य और वाच्य के भेद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसमें कोई भी आप गलती नहीं करेंगे, परीक्षा में इसमें से जो प्रश्न आएंगे आप ध्यान से उसकी पहचान करेंगे, आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। आपने पीटी वन में वाक्य में काफ़ी गलती की है, तो इसलिए वाक्य को भी आप अच्छे से पढ़ना, और परीक्षा में जब आएंगे तो उसमें भी गलती मत करना, वाच्य को भी आप अच्छे से फिर से पढ़ना और इसमें भी पहचान करने की कोशिश करना। आपको प्रैक्टिस के लिए मैं वर्कशीट दूंगी, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी और परीक्षा में आपकी कोई भी गलती नहीं होगी, ठीक है। धन्यवाद। साई राम। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपना गृह कार्य अवश्य करते रहिए। जिन बच्चों ने अपना गृह कार्य जमा नहीं किया है वो शीघ्र अतिशीघ्र अपना गृह कार्य जमा कर दें, नहीं तो आप अपने अपने अंकों से वंचित रह जाएंगे, ठीक है। और वाच्य के और वाक्य के दोनों की ही आप प्रैक्टिस करते रहें परीक्षा में, जिससे आपकी कोई भी गलती नहीं हो, ठीक है। साई राम।